जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करके हम अच्छा स्कोर लाते हैं, कॉलेज अच्छा मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से गड़बड़ हो जाता है। और कई बार ये देखने में आया है कि कम नंबर पे अच्छा कॉलेज मिल जाता है लोगों को, अच्छे नंबर होते हुए भी वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते। इसलिए बच्चों अलर्ट रहिए काउंसलिंग के लिए। बिल्कुल सही बात है, आपका रिजल्ट आ गया, आपने मेहनत की, आपकी रैंक भी अच्छी आई, आपके नंबर भी अच्छे आए, लेकिन ये थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत नुकसान दे देगी। तो प्यारे बच्चों, मेघालय पांडचेरी के बाद तमिलनाडु में भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया स्टेट का। और अब यहां पर हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आप जिस स्टेट को भी बिलोंग करते हैं उसका नोटिफिकेशन भी कभी भी आ सकता है। तो स्टेट की वेबसाइट को अच्छे से देखिए। और एक और हमारी सलाह है उन बच्चों के लिए जो बॉर्डर लाइन पे हैं, खास तौर से उन स्टेट में जहां पर मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है स्टेट की, ठीक है ना। जैसे राजस्थान हो गया, जैसे आपका यूपी हो गया, जैसे आपका बिहार हो गया, जैसे आपका दिल्ली हो गया। तो अब आपको लगे कि मुझे तो राजस्थान में मिलेगा नहीं, यूपी में मिलेगा नहीं, क्या फायदा, हम ऑल इंडिया काउंसलिंग कराएं कि ना कराएं? ऑल इंडिया काउंसलिंग जरूर कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में सीटें बढ़ी हैं, 15% सीटें ऑल इंडिया के खाते में जाएंगी। हो सकता है कि ऑल इंडिया का कटाफ कुछ स्टेट के कटाफ से नीचे जाए, तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहिए, बिल्कुल सावधान रहिए। खूब सेलिब्रेट कर लिया आपने, कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी सी गलती की वजह से आपको आपका मनचाहा कॉलेज न मिल पाए। एक बात और याद रखिएगा, पिछली बार कुछ बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने सोचा कि हमें इस नंबर पे ये पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा, दो चार चॉइस फिल की, उसके बाद छोड़ दिया। ये मत करिएगा, चॉइस फिलिंग के नंबर में कोई बंदिश नहीं है, आप जितने चाहें उतने कॉलेज भर सकते हो, राइट। तो अगर भरोगे नहीं कि तुम कहोगे हमें यही चाहिए, नहीं मिला तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए बच्चों इस समय बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो तीन स्टेट में ऑलरेडी बच्चों ये आ गया नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। ये तीनों नोटिफिकेशन हम आपको वीडियो में डाल देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको देख लीजिए। आप जिन स्टेट से बिलोंग करते हैं उन स्टेट के सारे नियम कानून कायदे, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, ये सब पढ़ लीजिए, सब ये डिटेल में दिया हुआ है। अगर ये सब लिखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जैसे यहां पर देखिए आपका पांडचेरी का दिया है, ये देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है ना, कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे आर एंटरिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग रैंक अगेंस्ट नीट रैंक फाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन। तो ये हर स्टेट का अलग अलग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों अच्छे से देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपको कॉलेज न मिले। अभी परेशान मत होइए, मैंने बताया था कट ऑफ का मतलब होता है किस दो नंबर पे कॉलेज मिल रहा है। हमने वीडियो बनाया था, बहुत सारे कॉलेज बढ़ गए, बहुत सारी सीटें बढ़ गई, अभी और भी सीटें बढ़ने की संभावना है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बॉर्डर लाइन वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये बच्चों एक छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप अपने स्टेट की वेबसाइट को देखते रहिए और बिल्कुल अलर्ट रहिए, क्या उसमें इंस्ट्रक्शन है, क्या डॉक्यूमेंट है, सब तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड कॉलेज। आप अच्छे से काउंसलिंग कराइए, आपको अच्छा कॉलेज मिले, यही मेरी शुभकामना है।